पड़ेगा। ठीक है, ऑल राइट गाइस, सो टुडेज टॉपिक इज टॉपिक नंबर 4। वी आर दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द सेशन। यस्टरडे वी कंप्लीटेड जुडिशियरी, टुडे वी विल बी डूइंग यूनियन पार्लियामेंट एंड यूनियन एग्जीक्यूटिव। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल, राइट? एग्जैक्टली सर। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। यूनियन पार्लियामेंट है, इंट्रोडक्शन है, कंसिडर्ड ऑल थ्री ऑप्शंस, गांधियंस, मॉडर्निस्ट, नेहरू, अम्बेडकर, फिर वेस्टर्न स्कॉलर्स, तीनों का देखेंगे। तो गांधियन बोलते थे कैसा होगा, तो बोलते थे पार्टीलेस डेमोक्रेसी, साथ में बाद में एम एन रॉय और जे पी नारायण भी पार्टीलेस डेमोक्रेसी प्रपोज करते थे। अपोज पार्टी सिस्टम सिंस इट परस्यूज पार्टी इंटरेस्ट इन नेम ऑफ ए नेशनल इंटरेस्ट। गांधी जी का एक थोड़ा अनयूजुअल स्टेटमेंट था, उन्होंने वो प्रोस्टिट्यूट से शायद कंपेयर किया था पार्लियामेंट को या समथिंग लाइक दिस। मॉडर्निस्ट लाइक नेहरू अम्बेडकर प्रीफर्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से इट वॉज मोर अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर, मोर डेमोक्रेटिक सिंस रिजल्ट इन टू कैबिनेट सिस्टम, इट ऑल्सो इट वॉज ऑल्सो सुटेबल टू द इंडियन डाइवर्सिटी। वेस्टर्न स्कॉलर्स वेयर एप्रिहेंसिव एज यूजुअल, दे ट्रोल्ड दैट कि सोसाइटी एंड इकोनॉमी वॉज नॉट सुटेबल फॉर डेमोक्रेसी, इट वॉज इम्पोज फ्रॉम एवर और एबव। मॉरिस जोन्स इन हिज बुक पार्लियामेंट इन इंडिया ही एनालाइज दैट कि इट इज वेस्टर्न इन ओरिजिन, लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडिया, स्केल ऑफ डाइवर्सिटी विल नॉट बी द राइट वेड फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑफ पार्लियामेंटेरियन सिस्टम, एडवर्सरियल डेमोक्रेसी ड्यू टू सोशल क्लीवेजेस रादर देन कंसेंसस डाइवर्सिटी, एक्सट्रीम कंपटीशन इन पॉलिटिक्स इज ट्रेडिशनल सोसाइटी, सो हंट फॉर पावर विल बी देयर, वीकनेस ड्यूरिंग पंडित नेहरू ही हैज ऑल्सो स्टडीड, वॉट वर द वीकनेसेज ड्यूरिंग द पंडित नेहरू, लैक ऑफ अपोजिशन, लैक ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग अमॉन्ग बैक बेंचर्स, दे वेर जस्ट यस सर, यस सर, क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड पार्टी, काउंसिल डिक्टेटरशिप ऑफ नेहरू, देर इज टर्म टर्म काउंसिल डिक्टेटरशिप ऑफ नेहरू, सोशल एनवायरमेंट इन कंट्री, सो आई डोंट थिंक वी हैव मच टू ऐड हेयर। इवोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, इट इज डिस्क्राइब इन फेजेज, फर्स्ट इज अपटिल 1960s, नेहरूज टाइम, रेफर मॉरिस जोन्स, अगेन देयर पॉइंट्स, फेज टू 1960 टू 1990s, बिकॉज आफ्टर द डेथ ऑफ द पंडित नेहरू देर वॉज ए रिमार्केबल शिफ्ट इन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फंक्शनिंग, बिगिनिंग ऑफ डिसइल्यूजनमेंट हैड स्टार्टेड एंड डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व, रीजन्स वी आर एस्क्राइब एज डेथ ऑफ पंडित नेहरू, ब्रेक डाउन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, बिगिनिंग ऑफ डिफेक्शन पॉलिटिक्स, इंदिरा गांधी स्टार्टेड कंसेंट्रेटिंग पावर इन हर हैंड, डिक्लाइन ऑफ कैबिनेट सिस्टम, राइज ऑफ रीजनल पार्टीज, ग्रोथ ऑफ करप्शन, राइज ऑफ सोशल मूवमेंट्स इन 1970s ऑल्सो काउजेज द चेंज इन द शिफ्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया, एंटी प्राइस राइज मूवमेंट स्पेशली इन गुजरात, चिपको मूवमेंट, जे पी नारायण फॉर टोटल रिवोल्यूशन लेड फ्रॉम बिहार, मोस्टली फ्रॉम बिहार, गवर्नमेंट इम्पोज इमरजेंसी, एडवर्सरियल पॉलिटिक्स स्टार्टेड, ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन नॉर्थ ईस्ट एंड जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, इन 1990s वी ऑब्जर्व थिंग फेज थ्री दैट ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ डिक्लाइन वॉज ऑब्जर्व, हामिद अंसारी टेल्स दैट पार्लियामेंट हैज बिकम फेडरेशन ऑफ एनार्की, डिबेट्स आर रेयर, इनफॉर्म डिबेट्स आर रेयरर, प्रताप भानु मेहता एंड देवेश कपूर देयर बुक पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया से क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स मेड इंडियन पार्लियामेंट सेल्फ सर्विंग इंस्टीट्यूशन, सो ही दे टर्म जुडिशियरी सेल्फ परपेचुएटिंग एंड पार्लियामेंट एज सेल्फ सर्विंग इंस्टीट्यूशन। शंकर एंड रोड्रिक्स हैव एनालाइज्ड द पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग इन प्रॉपर टर्म, फॉलोइंग रीजन्स फॉर डिक्लाइन बाय गिवन बाय देम, प्लेबियनाइजेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, कोएलिशन पॉलिटिक्स, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन, लैक ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, प्रेजेंस ऑफ क्रिमिनल इन पार्लियामेंट, पोलिटिसाइजेशन ऑफ पोस्ट ऑफ स्पीकर, प्रॉब्लम ऑफ डिफेक्शन, पुअर फंक्शनिंग ऑफ कमिटी सिस्टम, लैक ऑफ ट्रेनिंग इन कैपेसिटी बिल्डिंग अमंग पार्लियामेंटेरियन, डिसरप्शन इन पार्लियामेंट, इंक्रीज नंबर ऑफ ऑर्डिनेंस, दिस वेर दर रीजन्स एज एनालाइज बाई द शंकर एंड रोड्रिक्स।
वर्ल्ड बैंक हैज इंडिपेंडेंटली गिवेन सिक्स पैरामीटर्स टू इवेल्युएट द वर्किंग ऑफ लेजिस्लेचर एनीवेयर इन द वर्ल्ड. सो दोज वेयर फर्स्ट इज फाइनेंशियल, दैट इज कॉस्ट टू कंट्री हैव टू बी इवेल्युएटेड, कंप्लायंस, असेस हाउ मच पार्लियामेंटेरियंस कंप्लाई विद कंडक्ट ऑफ पार्लियामेंट. थर्ड इज इफिशियंसी, क्वालिटी ऑफ वर्क, टाइम इन्वेस्टेड एंड द आउटपुट गेन. Effectiveness, how much presence is felt in country. Relevance, how much qualitative improvement institution is bringing in life of people. Sustainability, it is institution in rise or decline or in rise. Sorry, is institution in rise or decline, okay. These were the six parameters of the World Bank. Now, result on the basis of above is not satisfying. So, if we judge the functioning of Indian Parliament with respect to World Bank given criteria, so it is not satisfying, not encouraging. Parliament has brought many landmark DAO achievements are that. Ki Parliament has brought many landmark legislations like right to education, right to food, right to employment, even we can say the right to work. A massive participation of people in elections show that there is trust of people in democracy. So these are the positive aspects of the Indian parliamentary system functioning. It is necessary to implement institutional reforms. Presidential form is neither desirable nor possible. Except US, it couldn't maintain its democratic nature. So here is an empirical evidence that the presidential system has nosedived everywhere except USA. Need to think on direct democracy, like Professor Dipankar Gupta, Nirja Gopal Jayal. Question should be not whether we should have direct democracy, but when and how. Means to say, they say that we must have direct democracy, and it must be deliberated that when should have and how should we have the deliberated direct democracy. Question is not of that whether should we have or not. Now we come to the role of opposition is also integral to the functioning of the parliament. So we will now scrutinize the role of opposition. Integral component of parliamentary form of government, privileges with opposition, that is they have right to ask question, they bring motion. Opposition in Britain is called His Majesty's opposition. Leader of opposition enjoy rank of cabinet minister in India also. Included in screening committee for appointment of important posts like CBI, like CVC, whatever. Can anybody give examples, 2-3 more? Where leader of opposition is included in there? आवाज आ रहा है क्या मेरा? जी सर. एक बार रिवाइज करते हैं ना वो जो भी तीन चार चीजें हैं शायद. CBI का बताओ कौन है कमेटी CBI के कमेटी में? मैं बता रहा हूँ PM LOP CGI है, करेक्ट? प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ अपोजिशन एंड CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ये हो गया CBI का. तो फिर जो एक CIC होता है इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उनको कौन अपॉइंट करता है? विजिलेंस नहीं बोला मैंने, इन्फॉर्मेशन का RTI वाला नहीं है, RTI वाला वो बोल रहा हूं. CIC उसमें तो प्राइम मिनिस्टर है और एक मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इटसेल्फ, और CIC का दो लोग तो ये है और तीसरा आई एम नॉट गेटिंग इट नाउ. मैं बता रहा हूं PM है, LOP है एंड एक एनी कैबिनेट मिनिस्टर है. जैसे CBI के अंदर अपन देखते हैं PM LOP CJI है, वैसे इस केस में PM LOP एंड एनी कैबिनेट मिनिस्टर ऐसा है. अच्छा, एक और ऐसी कमेटी है जिसमें PM है, LOP है एंड होम मिनिस्टर है, वो कौन सी है कमेटी बताओ? लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है वो, मैंने कहीं पढ़ा था. बताओ बताओ जल्दी बताओ यार, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? ये तो बेसिक पॉलिटी का है यार. I think if it is there, sir, please name it, otherwise time will be consumed in. यार मुझे भी वही लग रहा है कि CVC होना चाहिए, बट अब कन्फर्म करना होगा. मतलब कोई अगर कन्फर्म कर पाए तो सही रहेगा. ओके सर, मैं बताता हूँ. CVC का है PM LOP एंड होम मिनिस्टर, CPI का है PM LOP CJI एंड एक और बताया मैंने CIC का, वो है PM LOP कैबिनेट मिनिस्टर.
अच्छा, अगर सब लोग सब कुछ कर ही रहे तो एक दो और कर लेते हैं। एनएचआरसी का है पीएम होम मिनिस्टर, एलओपी लोकसभा, एलओपी राज्यसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। शुड आई रिपीट? ठीक है, इट्स ओके सर। ठीक है यार, मतलब आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी की थोड़ा सा प्रोएक्टिव रहे एंड कंट्रीब्यूट करो, नहीं तो मतलब नहीं है फिर, ये सिर्फ पढ़ने की एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए ना ये। हाँ सर, विजिलेंस में होम मिनिस्टर है सर, कंफर्म हो गया। लीडर ऑफ पोजीशन एंजॉय रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर इन स्क्रीनिंग कमिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रिपोर्टेड पोस्ट लाइक सीआईसी, सीबीआई, सीवीसी, एनएचआरसी। रोल ऑफ पोजीशन इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, दिस इंस्टीट्यूशन हैज आल्सो नॉट टू बी सेटिस्फैक्टरी, इनिशियली लैक नंबर एंड वर्क फ्रॉम मार्जिन्स, आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ कांग्रेस सिस्टम कुडंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल ड्यू टू लैक ऑफ सॉलिडेरिटी। Since coalition politics, considerable growth in power of opposition, major factor for decline of parliament and ordinance raj. So, major factor for decline of role of opposition has been the decline of parliament itself and the ordinance raj, where the opposition is bypassed, constructive criticism and debate are bypassed. Doesn't follow parliamentary ethics. Even opposition is not interested in following parliamentary ethics. Opposition sabotages functioning of government, doesn't even support right policies of government. Opposition doesn't take interest in a standing committee of parliament, prefer joint parliamentary committee to investigate a scam. It was example in during Commonwealth Games scam, when Suresh Kalmadi was accused, then there was demand for the formation of joint parliamentary committee. So I think example is from that. So role of opposition as an institution has also been investigated. Now we should move on to the reforms required in the functioning of parliamentary system of parliament. चीज अपन इसमें ऐड कर सकते हैं सर कि ब्रिटेन का जो सिस्टम है वहाँ पे शेडो कैबिनेट होती है, तो इंडिया में भी इस सिस्टम को अपन सजेस्ट कर सकते हैं। I think that point should go in the reform section, na? Right, right. I think. Okay, okay, sir. First is electoral reforms. Check the entry of criminals. 43% in the present Lok Sabha. Reform institutions of a speaker and adopt British system. Once a speaker, always a speaker. A question has been also been asked in GS. Reform anti-defection law. Codification of privileges, training and capacity building of the parliamentarians and staffs, minimum working hours of parliament, media should also patronage positive role of parliament. These are electoral reforms. Now your reforms also should be included, that case in India also there should be provision for shadow government like as it is in the British system. Other reforms, because the topic is reforms for the electoral reforms is finished, rather it is parliamentary reforms is finished here. One more reform I've been continuously looking at in newspaper is that opposition members are saying that there should be a fixed tenure for the sessions of the parliament. So this could be a reform which we can add. इसे फिक्स पार्लियामेंट्री कैलेंडर होना चाहिए, इस तरह से डिमांड चल रही है ना, राइट? जी, सेशंस में डिसरप्शन ज्यादा होता है, फिर विम्सिकल तरीके से सेशन भी एंड हो जाते हैं, इसलिए वो सजेस्ट कर रहे हैं कि एक सेशन का ड्यूरेशन जो है वो फिक्स हो। राइट राइट, ओके। मैं भी इस तरह पढ़ रहा था, पार्लियामेंट्री कैलेंडर को बोल रहे हैं कि ये होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए, और मतलब वो स्ट्रिक्टली।
NCRWC, National Commission to Review the Working of the Constitution, had suggested that at least Parliament should meet for 120 days, but it is meeting only 70 days annually. Committee system, reforms in committee systems are also warranted, as we had studied yesterday somewhere. Okay, now we are moving to privileges. Introduction, special rights available to few, given to parliamentarians and member of legislatures to perform responsibility without fear, represent the dignity of house, can punish a person for breach of privilege, house can punish. Most universally available privilege is freedom of speech and expression. Filibustering, senator can speak for unextended time. What is filibustering? Filibuster is a political procedure where one or more members of parliament debate over a proposed piece of legislation so as to delay or entirely prevent a decision being made on the proposal. Hello, am I audible? Ji. Clear aa raha hai kya awaaz mera? Ji sir. ठीक है, तो फिलिबस्टर का मतलब वही लिखा है कि डिलेइंग टैक्टिक्स, स्टोन वॉलिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक है, ओके सर. आर्टिकल 105 एंड 194 इन इंडिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एग्जेम्पशन फ्रॉम लायबिलिटी फ्रॉम एनीथिंग सेड, एग्जांपल नो डिफेमेशन फॉर व्हाट इज सेड इनसाइड हाउस. Article 122 says prohibits judiciary from interfering in the proceeding of house. Constitution leave it to on parliament to define privileges found in British House of Commons will be available till not codified. Available to MPs as in individual house committee and its members collectively. So privileges are available to the individuals also and house committees and its members collectively also. Our need of codification, why? Rajendra Prasad emphasized on the need to codify it. The first president of the India also emphasized on the need to codify it. Lord Cairns, most important privilege of the parliamentarian is not to codify it. Oh, so I think this is the issue all over the world in legislatures. Creates uncertainty over the freedom of speech or people, especially media. Journalists have been criticized for breaching privilege. Freedom of press required to prevent democracy. To prevent democracy from turning into democracy, what is there? Problem of judiciary, since it has to protect fundamental rights and to respect the provision of constitution, it has become problematic for the judiciary, so it is also codification will help them. I think in the fourth point, the freedom of press required to prevent democracy means I think to promote democracy. Freedom of press is required to promote democracy. Yeah, for held democracy. Now there is debate of privileges versus fundamental right. So whenever contradiction, judiciary goes for harmonious construction. Okay, first Searchlight case, MSM Sharma versus SK Sinha, case 1959. Judiciary upheld privileges over fundamental right. The time of Nehru was going on. Second, Keshav Singh case, Article 21 have primacy, Article 19 doesn't have primacy. Now, third, Raja Rampal versus Lok Sabha Speaker 2007, Article 20 and 21 have primacy but not 19. Interest of democracy to codify privilege, achieve balance between fundamental right and privilege, restore dignity of house. In Britain, Parliament is supreme. In India, constitution is supreme. It is not the sovereign, it is supreme.
MPs can't claim more power than people delegated. In US, no system of punishment. There was in concepts in democracy chapter that, you know, someone enlightened democracy, some like enlightened representation, someone were only they have no choice on their own, but whatever the functions have been delegated to the representatives. So MPs can't claim more power than people. In US, no system of punishment. So there is only comparison from here and there. Recently, Australia has codified privileges. So example may we can see that Australia has moved ahead in that direction. In Britain, introduced with purpose, privilege system was introduced with purpose. Tussle between king and parliament was there when the parliamentarian form of the government was introduced in Britain. Privilege to speak against king at that time. No person can be arrested from premises of house without the permission of a speaker. Last person to be imprisoned was Charles Bradlaugh in 1880. Okay, issue has been long been settled in US, England. Now, moving on to the another important debate regarding parliamentary working, that is committee system. So there is a saying, I don't know the name, I have forgotten that. US, there was saying that Congress in session is Congress at display and Congress in committee is Congress at work. Work throughout the year, committee system, can't take a specialist view on particular issue. Parties can coordinate behind media because in front of media they have to forward their political agenda. Committees can involve stakeholders, experts for consultations. Even in India, they warrant the witnesses of like RBI governor, AIIMS director in the COVID crisis, RBI governor during demonetization, etc. The strongest committee system, they also summon chief of defense staff or the army chief, navy chief, whatever. A strongest committee system is in USA. Bill can directly go even before introduction to House. In India, committee system does not work efficiently, not necessary to refer the bill to committee. Here it was only conventional. So we are seeing a declining trend. In 16th Lok Sabha, only 27% were referred, while in 15th, 70% were referred. And what is happening in the 17th is yet to be studied because it is going on. Our recommendations are even not tabled. Even that they give recommendations, they are not tabled. Even they are tabled, they are not discussed. Even they are discussed, they are not implemented. That's it. So what is the origin of the committee system in India? So it has pre-British origin, pre-independence origin, like in India in 1921, Public Accounts Committee came. 1950, Estimates Committee came. In 1993, after new economic policies, departmental standing committee have been set up. Four types of committees are there with respect to legislative businesses of the parliament. Financial committees, departmental standing committees, select committee, which are ad hoc, rules committee. Now we shall study weakness of the committee system under Pratap Bhanu Mehta and Devesh Kapoor. I think they will criticize. Suffer general weakness of parliament. So since it is an integral part of the parliament and composition also more or less the same, and suffer the general weakness of the parliament's weakness. Lack of capacity, members elected for a year, so waste of experience because at the moment, till the time they gain experience in dealing with particular subject, they are rotated to, you have to shift it to another committee or out of the committee. Not given additional remuneration for the working in the committee. Lack of qualitative research support with respect to from the academicians or from the field staffs or from the technical fields, whatever it is. Recommendations neither discussed nor implemented. Ministers are not involved, so neither supportive. So ministers are in most of the committees, they are not the part, they are not a part of the system, so they don't find it attractive for them to win the part because their work are generally scrutinized in the committees, so they prefer not to be supportive. They show a pathetic attitude towards them.
I think parliament has been discussed. It needs to be summarized. फर्स्ट हाफ वॉज यूनियन पार्लियामेंट, जिसके अंदर अलग अलग व्यू पॉइंट्स है. पहला है गांधीयन व्यू पॉइंट्स, हु कॉल फॉर पार्टी लेस डेमोक्रेसी एंड ही अपोज पार्टी सिस्टम बिकॉज पार्टी इंटरेस्ट में अपने काम करती है, नेशनल इंटरेस्ट में नहीं करती है. फिर मॉडर्निस्ट है कुछ लोग, जो नेहरू अंबेडकर हो गए, दे प्रेफर्ड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम. व्हाई? बिकॉज वी हैव प्रीवियस एक्सपीरियंस, दे आर, इट इज मोर अकाउंटेबल. जैसा कि इसमें अंबेडकर का कोई स्टेटमेंट था, इंस्टेड ऑफ मोर इफिशियंट वी नीड मोर स्टेबल सिस्टम, मोर अकाउंटेबिलिटी वाला चाहिए अपने को. फिर मोर डेमोक्रेटिक है, इंडिया डाइवर्स है. ये तीन अलग अलग वेस्टर्न स्कॉलर्स है जो अप्रिहेंसिव थे. आई थिंक जे एस मिल हम लिख सकते हैं, जो इंडिया के बारे में अप्रेंसिव थे कि डेमोक्रेसी टिकने ही नहीं वाली है. क्यों? क्योंकि सोसाइटी एंड इकोनॉमी आर नॉट सुटेबल. मॉरिस जॉन्स का एक बुक है द पार्लियामेंट इन इंडिया, आई थिंक इज वेरी गुड टू कोट, क्योंकि डायरेक्टली हिट कर रहा है पार्लियामेंट के बारे में. अकॉर्डिंग टू हिम इट इज वेस्टर्न ओरिजिन है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा. एडवर्सरियल डेमोक्रेसी बन गया है बिकॉज ऑफ सोशल डिफरेंसेस, सोशल क्लीवेजेस. तो एक्सट्रीम कॉम्पिटिशन है एंड हंट फॉर पावर है, मतलब पावर पॉलिटिक्स चल रहा है. फिर लैक ऑफ अपोजिशन है, कंसील डिक्टेटरशिप है, सोशल एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, बैक बेंचर्स की तरह एटीट्यूड है. ठीक है, मतलब जो भी लिखना है लिख दो, बस मॉरिस जोन्स का बुक कोट करो, पार्लियामेंट इन इंडिया. ठीक है, फिर इवोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी कैसे हुआ है. 1960s में नेहरू का टाइम था, तो उस टाइम पे मॉरिस जोन्स का बुक है पार्लियामेंट इन इंडिया. फेज टू 1960s से 1990s तक, यहाँ पर डिक्लाइन देखा जाता है. वाई? बिकॉज डेथ हुआ था पंडित नेहरू का, ब्रेकडाउन ऑफ कांग्रेस हुआ है, डिफेक्शन चालू हो गए थे, इंदिरा गांधी कॉन्सेंट्रेटिंग पावर इन हर हैंड्स, राइज ऑफ कैबिनेट सिस्टम, यहीं पे सुपर कैबिनेट, किचन कैबिनेट की बातें हो गई थी ना. फिर रीजनल पार्टीज आए, जो आयाराम गयाराम कल्चर वगैरह, डिफेक्शन लिख लिया अपन ने, करप्शन हो गया, सब कुछ लिख दिया यार, वही रिपीट होगा. सोशल मूवमेंट्स आ गए थे बहुत सारे, चिपको मूवमेंट, जेपी नारायण का टोटल रिवॉल्यूशन की बात हुई थी, इमरजेंसी आ गया था. थर्ड फेज 1990s का, जहाँ पे ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ डिक्लाइन हुआ है, हमीद अंसारी इसको बोलते हैं फेडरेशन ऑफ एनार्की. एक सेकंड बस. तो हम अभी 1990s का फेज कर रहे थे, इसमें अमीर अंसारी बोलते हैं फेडरेशन ऑफ एनार्की हुआ है, डिबेट्स आर रेयर एंड इनफॉर्म्ड डिबेट्स आर रेयरर. आई थिंक ये भी काफी इंपॉर्टेंट कोट करने जैसा है. ये प्रताप भानु मेहता का, देवेश कपूर का हमको पता है, द बुक पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया. जुडिशरी को बोलते हैं कि सेल्फ परपेचुएटिंग है एंड पार्लियामेंट को बोलते हैं सेल्फ सर्विंग है. तो आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट है दोनों भी चीजें स्कॉलर्स का. शंकर एंड रॉड्रिक का भी बुक है इंडियन पार्लियामेंट, एंड ऊपर अपन ने देखा था कौन सा बुक था, एक मॉरिस जॉन्स का पार्लियामेंट इन इंडिया, वेरी सिमिलर नेम्स. एंड इसमें शंकर एंड रॉड्रिक ने रीजंस फॉर डिक्लाइन दिए हैं, सब कुछ वही आएगा, प्लेबेनाइजेशन, कोएलिशन, लैक ऑफ अपोजिशन, पॉलिटिसाइजेशन हुआ है, क्रिमिनलाइजेशन हुआ है, डिफेक्शन चल रहा है, करप्शन है, ऑर्डिनेंस बढ़ रहे हैं. ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने 6 पैरामीटर दिए हैं टू असेस द वर्किंग ऑफ लेजिस्लेचर. फाइनेंशियल है, कॉम्प्लायंस है, इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस, रेलेवेंस एंड सस्टेनेबिलिटी. आई थिंक ये चीज़ लिखने के लिए जीएस में काफ़ी यूजफुल रहेगा. फाइनेंशियल, कॉम्प्लायंस, इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस, रेलेवेंस एंड सस्टेनेबिलिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी. फिर रिसेंटली कुछ इनोवेशन लाए हैं पार्लियामेंट ने, आरटी एक्ट आया, राइट टू फूड आया, राइट टू एम्प्लॉयमेंट आया, मनरेगा भी लिख सकते हैं अपन. ट्रस्ट इन डेमोक्रेसी बढ़ा है, हाउएवर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है. और प्रेसिडेंशियल फॉर्म को नाइदर डिजायरेबल नॉर पॉसिबल, ऐसा किसी ने बोला है? किसने बोला है? ठीक है,
नीड टू थिंक ऑन डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ऐसा प्रोफेसर दीपंकर गुप्ता नीरज गोपाल जायल बोलते हैं। अच्छा, रोल ऑफ अपोजिशन क्या है, फिर आई थिंक यार इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ वही है चीज़ें सारी, कि प्रिविलेज है अपोजिशन का, राइट टू आस्क क्वेश्चन, राइट टू ब्रिंग मोशंस। ब्रिटिश में जैसे शैडो कैबिनेट होता है, जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन बहुत जगह पे स्क्रीनिंग कमेटी में मेंबर है, उनका रैंक कैबिनेट मिनिस्टर इतना होता है। फिर लेकिन रोल ऑफ अपोजिशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है, वाई, बिकॉज इनिशियल उनके नंबर्स नहीं थे, लैक ऑफ सॉलिडरिटी है, डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट हुआ है, ऑर्डिनेंस राज हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हुआ है, ठीक है। फिर रिफॉर्म्स का क्या सजेस्ट करेगा किसी ने, क्रिमिनलाइजेशन कम करो, वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर वाला ब्रिटिश सिस्टम है उसको लागू करो, कोडिफिकेशन ऑफ प्रिविलेज करो, एंटी डिफेक्शन का रिफॉर्म करो, कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग, वर्किंग आवर्स तय करो। एंड ऐसे किसी ने बोला अभी कि शेड्यूल पूरा पहले से ही फिक्स करना चाहिए, उसको लिख के रख दो भाई, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिविलेजेस टॉपिक है, तो व्हाट आर प्रिविलेजेस, दीज आर स्पेशल राइट्स अवेलेबल टू फ्यू। तो फ्यू मतलब कौन कौन आता है, दो टाइप के राइट होते हैं, इंडिविजुअल राइट्स एंड कलेक्टिव राइट्स ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दोनों भी होते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना काम कर सकते हैं एम एल एज एम पीज विदाउट एनी फियर। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 105-194 देता है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 122 प्रोहिबिट्स जुडिशियरी फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन हाउस। तो इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 105-194 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, 122 जुडिशियरी प्रोहिबिट कर सकते, जुडिशियरी इंटरफेयर नहीं कर सकता। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट टू पनिश भी दिया है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के लिए। हवेवर देर इज अ नीड फॉर कोडिफिकेशन, ऐसा कई लोग बोलते हैं, फिर राजेंद्र प्रसाद ने इसको सपोर्ट किया था, लेकिन लॉर्ड केन्स बोलते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिविलेज इज टू नॉट टू कोडिफाई। क्यों जरूरत है कोडिफिकेशन करने की, जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया है क्योंकि कन्फ्यूजन होता है कि भाई क्या है, राइट है कितना है, जुडिशरी को प्रॉब्लम होती है इंटरप्रेट करने में। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है प्रिविलेजेस वर्सेस फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पे दो तीन केसेस इंपॉर्टेंट है। पहला केस है सर्च लाइट केस 1959 में हुआ था, इसमें जुडिशियरी ने बोला है कि प्रिविलेजेस आर मोर इम्पॉर्टेंट देन फंडामेंटल राइट। इसको रिवर्स करा थर्ड जजेस के, थर्ड केस में राजा रामपाल वर्सेस लोकसभा स्पीकर 2007 का केस है, इसमें कहा गया आर्टिकल 20 एंड 21 हैव प्राइमेसी बट नॉट आर्टिकल 19। And there is a need to create balance between fundamental right and privilege. There is privileges are needed for dignity of the house. Parliament में जैसे British Parliament supreme है, जैसे India में Constitution supreme है, ठीक है। And USA के अंदर ऐसा कोई system ही नहीं है। And एक और अपन example देखा था कि British में ठीक है, हमने British से ले लिया, लेकिन in the current scenario 1880s में लास्ट उसका इम्प्रिजनमेंट हुआ था ऑन दिस बेसिस, इंडिया में अभी भी चल रहा है। तो काइंड ऑफ हमने जहां से लिया उन्होंने ही पूरा निकाल दिया इसको, एंड आई थिंक रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने इसको कोडिफिकेशन कर दिया है। तो ये दो आर्ग्यूमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश वाला एंड ऑस्ट्रेलिया वाला, ठीक है। नेक्स्ट है कमिटी सिस्टम, इसमें देयर इज अ सेइंग इन द यूएसए, कांग्रेस इन सेशन इज कांग्रेस एट डिस्प्ले, वेल कांग्रेस इन कमिटी इज कांग्रेस एट वर्क। स्पेशलिस्ट व्यू पॉइंट आता है, बिहाइंड द मीडिया काम करते हैं, दे इन्वॉल्व स्टेक होल्डर, दे इन्वॉल्व एक्सपर्ट्स, कंसल्टेशन करते हैं। यूएसए में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बिल कैन डायरेक्टली गो आउटसाइड द हाउस, रिजेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। इंडिया में ऐसा नेसेसरी तो नहीं है रेफरेंस करना, इसीलिए कई लोगों ने रिकमेंड करा हुआ है कि इसको मैंडेटरी कर दो रिकमेंडेशन। हम देखते हैं कि जो बिल का पैसेज है टू कमिटी अभी कम हुआ है, 16 लोकसभा में 27% था, 15th में 70% रेफर करे गए थे बिल। कई बार क्या होता है कि बिल टेबल ही नहीं होता है, टेबल हुआ तो भी डिस्कस नहीं होता है, डिस्कस हुआ तो भी इम्प्लीमेंट नहीं होता है। अच्छा, ये कमिटी सिस्टम जो है हिस्टोरिक इसके ओरिजिन्स है, 1921 में पब्लिक अकाउंट कमेटी बनी थी, एस्टिमेट्स कमेटी 1950 में बनी थी, एंड 1993 में डिपार्टमेंट लेड स्टैंडिंग कमिटीज बनी थी। ये चीज़ प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 1921 पीएसी एस्टिमेट्स कमिटी, 1950, 1993 डिपार्टमेंट लेड स्टैंडिंग कमिटी। चार टाइप के कमिटीज हैं, फाइनेंशियल, डिपार्टमेंटल,
सिलेक्ट कमिटीज जो एडॉक होते हैं, रूल्स कमिटीज होते हैं। अच्छा, ऑब्वियसली अभी प्रताप भानु मेहता एंड देवेश कपूर क्रिटिसाइज करेंगे, क्यों क्रिटिसाइज करेंगे? लैक ऑफ कैपेसिटी है, हर साल इलेक्शन होंगे तो वेस्ट हो रहा एक्सपीरियंस, देयर इज नो एडिशनल रेन्यूमरेशन उनको दिया जाता है। फिर वही पॉइंट, नीदर डिस्कस्ड नॉर टेबल्ड नॉर इम्प्लीमेंटेड, मिनिस्टर्स इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होते। तो ठीक है, दैट वाज इट, वी कैन गो अहेड टू यूनियन एग्जीक्यूटिव। यार मतलब समराइज कर देंगे, फास्ट था, स्लो था, कैसे था? एक्चुअली ना टॉपिक भी लंबा था, थोड़ा नया नया टाइप का ना इन्फॉर्मेशन आ रहा है, तो आप ठीक ही था, सब सही था। मतलब अगर स्लो जाना है ना तो एक बार टोक सकते हो आप, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ज्यादा भी स्लो जाने का मतलब नहीं, ज्यादा फास्ट भी करने का मतलब नहीं है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहता है, बार बार पढ़ा हुआ रहता है तो ठीक है, ये हम लोग ना थोड़ा सा कम पढ़ा हुआ रहता है, इसलिए आपका स्पीड ठीक, कम नहीं ज्यादा, ठीक है, सब सही है। ठीक है, चलो कंटिन्यू करो। यूनियन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट का है इंट्रोडक्शन, आर्टिकल 54 से प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नॉमिनल हेड, देर इज अनसर्टेनिटी विथ रिस्पेक्ट टू टेन्योर ऑफ गवर्नमेंट, फॉर कंटिन्यूटी हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, he has to be above party politics, someone should be at the top position which should be seen as above party politics, symbol of the unity of the nation, nature of institution in India, the president differs from British monarch, British is monarchy and India is republic, Britain is unitary, India is federal, not completely neutral in India since elected, also representative of states at union level. President can be impeached, not monarch. So there are two, three examples of the differences between Indian and British monarch. Deviation from original constitution, Article 74 means original constitution 26 January 1950, and after the in due course of time amendments highly to the following deviations. Article 74. Before 42nd Amendment, not mandatory for President to act on the aid and advice of Council of Ministers. It was not bounding for President to sign Constitutional Amendment Bill also. Inconsistency in Article 361 and 61. So what is 61? Article 61 suggests impeachment for violation of Constitution. 361 suggests can't be inquired in any court of law. So what is that? How will it be improved that he has or she has violated the constitution? Article 60 deals with the oath of president. In India, president has power to send a message to both houses of parliament in parliamentary form of he communicates through PM only. He doesn't direct communicates. Consequences of confusion led to disputes between first PM and the president over Hindu code bill during the first Lok Sabha itself, rather before that also, between Rajendra Prasad and Jawaharlal Nehru. Supreme Court in judgment in Samsher Singh case and Ram Javaya case held that president and governor are mere constitutional heads. 24th Amendment 1971, mandatory for president to give assent to Constitutional Amendment Bill. 42nd Amendment 1976, mandatory for president to act on advice of Council of Ministers, which will be reversed a little bit in 44th. James Manor says Constituent Assembly lacked the understanding with respect to institution and left on time and expected healthy conventions. So actually president in India was like a unique constitution. Many third world countries were not independent at that time. So constitutional head, different from a constitutional monarchy, was a little bit a new office. So James Manor is supporting the wisdom of the Constituent Assembly by saying that they left on time and expected healthy conventions. But healthy conventions were expected, but many times it was not achieved. 42nd Amendment Act cleared convention. Cleared what is meant by impeachment for violation of constitution, and Supreme Court told the parliamentary form is basic structure. Now in 44th Amendment, president can send advice back, but only once. Constitutional experts, not desirable amendment. Constitutional experts say that this was not a desirable amendment. Done by non-Congress party who were in favor of a strong president. Actually, it was going on like at that time, na?
they were opposing Indira Gandhi, and Indira Gandhi had used this office, president's office, during emergency, and so they wanted a strong president so that when Janata Party loses the government, so through president they can have some say. That's why they little bit amended 44th amendment. They amended in this way. But now we are going to observe the actual position of president. So directly it is an example of R. Venkatraman. He had become president at time of start of coalition politics, established healthy conventions to minimize the scope of discretion. So India was fortunate enough to have him at the time of a start of coalition politics, called himself copybook president. What is written in the text, I will say like that. President in India is like an emergency lamp which comes to power only when the main switch is off. So R. Venkatraman concept, emergency lamp. Cohabitation. What is cohabitation? This topic, this term we shall study with respect to French politics. The term is used in politics, semi-presidential form of government. When president and PM of different parties are there, they are said to be in cohabitation. Both of them cohabit the same nation and the same governance system. In India, cohabitation is during presidential activism. So in India, this is not a convention, neither it has been constitutionally mandated. But we can say when president is doing an activism, then that is the situation of little bit type of cohabitation. President is also acting, prime minister is also acting. James Manor, many presidents in India have been activists, like Dr. Rajendra Prasad in Somnath temple inauguration, and in Hindu code bill. Later, Gyani Jal Singh criticized when he used big pocket veto with respect to postal code bill. K.R. Narayanan is said to be most activist president. Three examples are there with respect to his presidency being activist. The recommendation in case of Article 356 in UP in respect to Kalyan's being minister of it. He gave review on public day instead of reading the RP provided by the council manager. So he take up risk of his mind. He read his own speech instead of given by Ministry of External Affairs on visit of US President Bill Clinton, and where he had criticized unipolarity and supported for the cause of non-al. Now come to APJ Abdul Kalam, he is the most populist president. So, not expected from president to have high level interaction with the public. Because this will lead to the friction of two personalities, having a charisma over public, among public, may result into alternative center of power, Baba tells that two executives are in retained, real and identified. The role of Queen is act as friend, philosopher and guide. We can say about our president. Article 70 establishes balance. Sensitive PM towards president. So that is about the presidential office. Presidents. Now we come to the office of popular machine that was a few years ago. Introduction is given as R102 takes disqualification for MPs and MLAs. So first ground of disqualification is Office of Profit. What is the logic behind this Office of Profit concept? That this is called this is based on concept of separation power or avoiding conflict of interest. Acquired executive offering parliamentarians lucrative offers show that they independently carry out the functions of testing the accountability of executive. Means this is based on question of power and avoid and conflict of ethical terms and administrative terms. We can say to avoid executive offering parliamentarian lucrative offers so that they independently carry out their function in test of testing accountability of parliament. Means executive should not lure parliamentarians by offering monetary benefits.
who has to maintain the neutrality and independence of legislature, parliamentarian. But in this, the legislature and executive have elected. I second point is also possible for same person to be present in different places. Parliamentarians should give the priority to parliament, hence they are given certain privileges like immunity or marriage before or after 40 days of session. Problem in India is that the executive are appointing parliamentarians, but they are not Sharad getting ji, disqualified. Your voice is breaking, I guess. बाकी लोग को आ रहा है क्या? मेरे जब भी क्लियर नहीं आ रहा था मुझे लगा मेरे को नहीं ठीक है आ रहा है ना ब्रेक हो रहा है ना नहीं आ रहा मुझे क्लियर मेरा क्लियर है क्या एम आई क्लियर हाँ दृश्यम सर आपके क्लियर हाँ सर आपकी आवाज क्लियर आ रही है दृश्यम सर आपका क्लियर है दशरथ सर का ब्रेक हो रहा है ठीक है आई थिंक हम प्रॉब्लम इन इंडिया से थे ना थर्ड पॉइंट हेलो जी सर जी ठीक है तो प्रॉब्लम इन इंडिया इज दैट एग्जीक्यूटिव आर अपॉइंटिंग पार्लियामेंटेरियंस बट दे आर नॉट गेटिंग डिस्क्वालिफाइड सिंस 91st अमेंडमेंट एक्ट लिमिटेड द रोल ऑफ नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इट हैज बिकम अ वे टू बाईपास द अमेंडमेंट by giving parliamentary secretary posts. So, Delhi mein bhi hua tha ye parliamentary secretary posts, which are not technically ministerial posts. There is lot of arbitrariness. Parliamentary secretary of Delhi from Aam Aadmi Party have been disqualified, but not of other states. So, theek hai, matlab basically wahi baat hai ki executive appoint karta hai parliamentarians ko in any name, matlab unko council of ministers ka banane ki koshish karte hai, and they try to bypass. I think 10% का रूल भी है ना 10% 12% क्या है रूल किसी को याद है क्या 50% सर हाँ यूटीज के लिए 10% है शायद जी दिल्ली के लिए हाँ यूटी के लिए हाँ यूटी के लिए 10% है नॉर्मली 15% है करेक्ट यस सर ठीक है तो फिर वही है एंड ये भी चीज जो एक्शन हो रही है ये आर्बिट्री है तो दिल्ली में से कर दिया डिस्क्वालीफाई लेकिन बाकी स्टेट्स में हुआ नहीं है ठीक है डिस्क्वालिफिकेशन इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट who shall act according to advice of Election Commission of India. ECI is also not completely independent. ECI ko appointment kaun karta hai, kaise karta hai? Executive karta hai na. Executive matlab committee hai usme koi press nahi koi committee nahi hai usme seedhe prime minister bhej dete hai naam ha ha bilkul yahi hota hai theek hai fir kya hai dekho root cause of the problem Constitution does not define the office of profit. ये शायद prelims में question भी आया हुआ है. Constitution exempts certain posts like ministerial post. In India, ministers are chosen among VPs. कौन सा act का नाम किसी को पता है क्या? कौन से act disqualification करा है वो? Exemption किसके? आई थिंक सोनिया गांधी जी ने लाया था ना जब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे चल रहे थे उनका चलो ठीक है देख लेंगे जहां तक मुझे याद है यार पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम एसआई डायरेक्ट लिखा हुआ है उसका नाम ये और याद नहीं आ रहा मेरे ठीक है एक पंडित ठाकुरदास कमेटी थी जिन्होंने रिपील करे अर्लियर लॉज एंड नया एक्ट दिया प्रिवेंशन फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 If any office gives compensatory allowance, it will not be office of profit. Mentions number of offices which are exempted. Act क्या हुआ इसका? Created a scope for judicial intervention. 1959 Act has been continuously amended in 1993, 2000, 2006, and 2013. And more posts are brought under Act. Unique problem क्या है? Government exempts the office with retrospective effect. Almost every office is exempted. Solution kya hai iska? Bring comprehensive law and should not have implementation with retrospective effect. To do away with provision,
डिस्क्वालिफिकेशन मेक्स सेंस ओनली इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम. आर्टिकल 1(6) स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट्स कांग्रेस मेंबर्स फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी इंडसमेंट. इंडिया फॉलोज पार्लियामेंट्री सिस्टम हेंस यूजलेस. एग्जीक्यूटिव ऑल्सो कंट्रोल्स द लेजिस्लेचर. Also, members of party can't vote against party whip due to anti-defection law. So they won't vote against the leader of their own parties. ठीक है, मतलब एक सॉल्यूशन ये दे रहे कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बंद कर दो, दूसरा दे रहे कि डिस्क्वालिफिकेशन जरूरत ही नहीं है मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर. ठीक है, सिचुएशन इन ब्रिटेन क्या है? दशरथ जी पढ़ लोगे आगे? जी बिल्कुल. Situation in Britain is that practically doesn't exist, means disqualification is not there. Historic reason to introduce it in Britain. क्या है? Tussle between parliamentarians and king. अभी मैंने क्या बोला? उस समय जो जिस background में parliament, glorious revolution बोलते हैं, when constitutional monarchy was established in England, तो their parliamentarian system or conventions have developed in that background context. Tussles between king, monarch and parliamentarians. The parliamentarians were trying to have as much as say privileges with respect to king. King used to give inducement to MPs, so it was introduced. King was using lurement to MPs to talk in their favor to get their favor. So it was introduced to shield themselves from the king's influence. Since law is inadequate, it is determined by judiciary what comes in office on profit. In India, we see that it is the judiciary which determines what is the office of profit, what is not, it case by case basis. So politics does play a role in India. Four principles, according to Ashok Kumar Bhattacharya versus Ajay Vishwas in 1985, Supreme Court had given four principles. There has to be office. There should be, that office should have profit and that should be under government. Person should have held office. Office is not exempted by parliament. Parliament gives a list of exemptions which offices are out of the purview of the office of profit. So if that is not exempted by parliament, then that office will come under the office of profit. So four principles are 1, 2, 3, 4 and 5 is automatic from the parliament exemptions. Nine to number point, it says judiciary will examine in case to case basis, won't use pedantic approach, means they will not do too much legalistic approach, they will see, just like basic structure, it will keep evolving. Satru Charla, Chandrasekhar Raju versus Vari Charla Pradeep Kumar Dev case, Charla versus Charla, 1992, Judiciary will whether appointing authority is government. Judiciary will determine whether appointing authority is government or not. Whether government has power to terminate, everything judiciary will determine. Whether government has power to terminate, whether government determines remuneration, whether source of remuneration, public purse, whether government controls the office with respect to the manner in which duties of the office are to be performed, whether office brings persons under influence of government by patronage, like king, monarch, all factors need not exist simultaneously. So office of profit is a separation of power between king, monarchs and parliamentarians. So all stems from that. Other judgments, Jaya Bachchan, whether person actually obtained compensation does not matter. Office of profit means office of profit. Kantha Khaturia case, Shibu Soren case, Divya Prakash case, even when office is honorary, it can be office of profit if it is not exempted by the parliament. And if it is not exempted by the judiciary in case, parliament has set up joint committee. Remuneration is more than compensatory allowance. If brings persons under influence and patronage, then we can say that it is office of profit. So I think it is haphazard like thing. Final is that 2 points, set up joint committee, recommendation parliament that remuneration is more than compensatory allowance, then office of profit, brings person under influence and patronage, then office of profit. Though second point is itself subjective and judiciary is keeping the case open for them. So should it be summarized before going to prime minister or should we move on? I think we should move on. Prime minister, it will be finished. After that we should summarize it. Yes. Prime minister, office of prime minister, captain of the ship of the state,
he is appointed by president, but other ministers are all appointed by him. Appointed by president on the recommendation of prime minister. Two relationship between PM and council of ministers. First, primus inter pares, first among equal, when PM is relatively weak, like in coalition government. When Sardar Patel was home minister, it was let me rectify it. When PM is not relatively weak, but it should be told like that, ki when other person in the council of minister is having almost same stature like that of PM. So it was first among equal, all will be equal, but first, like Atal Bihari Vajpayee and Advani, Sardar Vallabhai Patel and Jawaharlal Nehru. So both of them were also made the deputy prime minister. Interstellar luna minors means moon among stars. Now the stars will go in the background, the moon will shine before us. So after death of Sardar Patel, Jawaharlal Nehru became interstellar luna minors. Presently we can say also the example of Indira Gandhi. If we can write, then also present prime minister can be still like the moon among stars. During Shastri, the power shifted from prime minister to council of minister. During Indira Gandhi, complete breakdown of cabinet form, kitchen cabinet came to be a concept during her term. Coalition government weaknesses the positions of prime ministers. Professor M.P. Singh, in coalition government there is not one PM but many PM. A leader of every constituent party thinks himself as a prime minister. Professor M.P. Singh gave another theory of two axes working in the Indian parliamentary system, federal axis or parliamentary axis. When prime minister coalition government, then federal axis works. When ruling party at the center enjoys the dominant system, majority, then the parliamentary axis is working. Institution is shaped by a number of factors like personality factor, political environment, political culture. Position of prime minister not strong when no majority, not in majority, but this does not mean weakening of institution. So last point is like conclusion. अभी कहाँ से समराइज करना है, प्रेसिडेंट से ना? ये प्रेसिडेंट हो गया, प्रेसिडेंट से ही सर, प्रेसिडेंट से, ठीक, प्रेसिडेंट से करना। एक सेकंड मैं, ओके, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, आर्टिकल 54 सेज President is the head of the executive. Article याद कर ले यार, क्योंकि काफी important है सारे के सारे article में. Article 54, head of the union executive. Parliamentary form में nominal head होता है. He has to be above party politics. फिर nature of institution कैसा है इंडिया के अंदर. Different from British monarch. He is also representative of states at the union level. क्योंकि उसको election में states भी participate करते हैं. And he can be impeached. जैसे वहां पे नहीं कर सकते, इज नॉट अ मोनार्च. ठीक है, फिर डिविएशन कैसा है फ्रॉम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन अभी करंट फॉर्म में. आर्टिकल 74 में 42nd अमेंडमेंट आया, उसने नॉट मैंडेटरी फॉर प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. अच्छा, बिफोर अमेंडमेंट इट वाज नॉट मैंडेटरी, बट 42nd अमेंडमेंट ने मैंडेटरी कर दिया. नॉट बाइंडिंग फॉर प्रेसिडेंट टू साइन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स. इनकंसिस्टेंसी है आर्टिकल 361 एंड आर्टिकल 61 में. 61 is about impeachment, 361 is about ki and cannot be inquired into any court of law. So ek inconsistency hai dono mein. Fir article 60 hai jo oath of president ki baat karta hai. In India president also has power to send messages to both the houses. Consequence kya hai sab confusion ka? So jaise first prime minister and president ke upar confusion ho gaya tha ki Hindu code bill kiske zyada paksh mein hai, matlab kisko karna hai, who has the power to do it. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई प्रेसिडेंट्स एंड गवर्नर्स आर मियर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स,
24 amendment 1971 mandatory for the president to give assent to constitutional amendment bills. 42nd amendment 1976 mandatory for president to act on the advice of council of ministers. तो याद रखो 24th 1971 constitutional amendment bill के बारे में है, 42nd 1976 is about advice of council of ministers, binding कर दिया वो. इस बात पे जेम्स मैनर क्रिटिसाइज करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड लैक्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड इसीलिए उन्होंने टाइम पे एंड एक्सपेक्टेड हेल्दी कन्वेंशंस. तो ये डाल सकते हैं हम क्रिटिसिज्म में जहाँ पे भी करना हो. फिर है 42nd अमेंडमेंट ने क्लियर कर दिया कन्वेंशन को एंड इसी टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इन रिस्पॉन्स कि पार्लियामेंट्री फॉर्म इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. 44th अमेंडमेंट ने थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया कि प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक द एडवाइस वंस बट ओनली वंस. तो इसी चीज को क्रिटिसाइज करते हैं आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ की दिस इज नॉट डिजायरेबल अमेंडमेंट. अच्छा एक्चुअल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट क्या है उसको आर वेंकटरमन हिमसेल्फ एज अ प्रेसिडेंट कॉल्ड हिमसेल्फ एज कॉपी बुक प्रेसिडेंट. तो ही एस्टेब्लिश्ड हेल्दी कन्वेंशंस टू मिनिमाइज डिस्क्रिशन. वो कहता है कि प्रेसिडेंट इन इंडिया इज लाइक एन इमरजेंसी लैम्प जो सिर्फ पावर में आता है ओनली व्हेन द मेन लैम्प और मेन स्विच इज ऑफ. अच्छा एक कंसेप्ट है कोहैबिटेशन का. इट इज मेनली इन फ्रेंच पॉलिटिक्स सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है ये. फिर अलग अलग पार्टीज के हो पीएम एंड प्रेसिडेंट तो काम आता है. जेम्स मैनर बोलता है कि बहुत सारे प्रेसिडेंट्स एक्टिविस्ट रहे हैं. एग्जाम्पल राजेंद्र प्रसाद का जो देखा हिंदू कोड बिल. ज्ञानी रेहल सिंह पॉकेट यूज किया पोस्टल कोड बिल के लिए. के आर नारायणन मोस्ट एक्टिविस्ट प्रेसिडेंट बोलते हैं. वाई उन्होंने आर्टिकल 356 ऑफ यूपी को रिजेक्ट कर दिया था. इंटरव्यू दिया रिपब्लिक डे पे इंस्टेड ऑफ मिनिस्टर स्पीच. रेड हिज ओन स्पीच इंस्टेड ऑफ एमईए का विजिट. एपीजे अब्दुल कलाम मोस्ट पॉपुलर प्रेसिडेंट बोलते हैं. व्हाई इज दिस प्रॉब्लम क्योंकि हाई लेवल ऑफ इंटरेक्शन मे लीड टू अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर. ठीक है आर्टिकल 78 बैलेंस एस्टेब्लिश करता है प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर के बीच में. नेक्स्ट टॉपिक है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. इसमें आर्टिकल 102 gives disqualification of MPs and MLAs. फिर लॉजिक क्या है सेपरेशन ऑफ पावर टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. प्रॉब्लम क्या है इंडिया में एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करते हैं पार्लियामेंटेरियंस को इन अ हिडन मैनर. जैसे कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी पोस्ट बना दी अलग से जैसे. लेकिन इसमें भी आर्बिट्रेरी दिखता है. दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को डिस्क्वालीफाई कर दिया बट बाकी स्टेट्स को नहीं किया. तो इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट हु वर्क्स और एक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद एडवाइस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. हाउएवर ईसीआई इज इटसेल्फ नॉट इंडिपेंडेंट क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर करता है या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं. फिर अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ पोस्ट को एग्जम्प्ट करा है. इसके ऊपर एक लॉ बना था प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959. तो दिस वॉज बेस्ड ऑन पंडित ठाकुरदास कमेटी रिकमेंडेशन. अच्छा फिर आगे एक और मतलब प्रॉब्लम क्या है कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से करते हैं एंड बहुत सारे ऑफिसेस एग्जम्प्ट हैं. तो इसमें सॉल्यूशन ये बताया गया है कि दो चीजें कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अलाउ ही मत करो एंड इंडिया में ऐसे जरूरत ही नहीं है मतलब ये सिस्टम ही हटा सकते हो पूरा डिस्क्वालिफिकेशन वाली क्योंकि इट वर्क्स इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम. अच्छा अभी सिचुएशन क्या है बाकी कंट्रीज में. ब्रिटिश में ऐसा है कि यार अभी ये सब हो ही नहीं रहा है मतलब जो ओरिजिन था इसका वो किंग एंड पार्लियामेंट को टसल को रोकने के लिए बना गया था. चार प्रिंसिपल दिए हैं अशोक कुमार भट्टाचार्य केस में 1985. देर हैज टू बी ऑफिस इट शुड हैव प्रॉफिट इट शुड कम अंडर द गवर्नमेंट पर्सन शुड हेल्ड द ऑफिस एंड ऑफिस एग्जाम नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट्री लॉ के हिसाब से. तो यह कंडीशन इंपॉर्टेंट है. वी कैन राइट दिस इन जीएस एज ऑप्शनल डायरेक्टली एंड जुडिशियल ने इसको ओपन रखा कि केस बाय केस बेसिस पे हम लोग इसको करेंगे. कोई फिक्स्ड अप्रोच नहीं बताया फिक्स चीज नहीं बताया उन्होंने. फिर आगे का स्किप कर सकते हैं एंड रिसेंट जजमेंट्स में हम मेंशन कर सकते हैं जया बच्चन केस एंड शिबू सोरेन जिसके अंदर वो सेम जो चीजें है ऊपर पड़ी वही रिइटरेट करी है सुप्रीम कोर्ट ने. पार्लियामेंट ने एक ज्वाइंट कमेटी बनाई
जिसके अंदर बोला गया था कि रेम्यूनरेशन मोर देन कंपेंसेटरी अलाउंस एंड ठीक है, कुछ काम का नहीं वैसे. नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर, कैप्टन ऑफ द शिप बोलते हैं, ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय हिम. दो अलग अलग डेफिनेशन है, एक है प्राइमस इंटरपेरेस या फिर इंटरस्टेलर लूना मिनोरेस, मतलब मून अमंग द स्टार्स. प्राइमस इंटरपेरेस कब होता है? फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, जब प्राइम मिनिस्टर थोड़े वीक होंगे तब. एंड मून अमंग द स्टार्स कब होंगे? आफ्टर डेथ ऑफ सरदार पटेल, जैसे नेहरू जी मून अमंग द स्टार्स बन गए. शास्त्री के टाइम पे पावर शिफ्ट हो गया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरफ. इंदिरा गांधी के टाइम पे ब्रेकडाउन ऑफ कैबिनेट सिस्टम हुआ. कोएलिशन गवर्नमेंट के टाइम पे वीकन कर दिया प्राइम मिनिस्टर को. प्रोफेसर एमपी सिंह बोलते हैं, इन कोएलिशन देयर इज नॉट वन पीएम बट मेनी प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर बिकम्स द मैनेजर ऑफ कोएलिशन. ठीक है, फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन को शेप करने के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, पर्सनैलिटी, पॉलिटिकल एनवायरमेंट, पॉलिटिकल कल्चर. एंड कंक्लूजन में बोल सकते हैं कि पोजीशन ऑफ पीएम स्ट्रांग नहीं भी है तो भी इंस्टीट्यूशन वीक होता है ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, पीएम एज अ पर्सन एंड इंस्टीट्यूशन. आई थिंक खत्म हो गया यहाँ पे. और कुछ बचा है क्या इस टॉपिक में, यूनियन स्टेट वगैरह? Union executive, I think it has been finished. In a state executive, the role of governor will come like at federalism. And state executive will also come at that. Actually, state executive based questions are not asked because that is not a definite trend. Second thing, judiciary is already discussed. ठीक है. तो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लो क्या मैं? आई थिंक यस सर.